नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इफ्तार पार्टी के बहाने खूब राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां 22 अप्रैल के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तो वहीं अब 28 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें बाकायदा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से लेकर तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भी भेज दिया गया है। बात अगर हम करें तो हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी मुलाकात है जो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जारी है, जिसको लेकर तैयारियां भी जनता दल यूनाइटेड में शुरू हो चुकी है। कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में इफ्तार पार्टी को लेकर अगर हम बात करें तो इस वक्त बिहार में इस इफ्तार पार्टी के बहाने ताबड़तोड़ राजनीति की जा रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जहां एक तरफ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पैदल ही राबड़ी देवी के आवास पर वो पहुंच गए, जिसके बाद इफ्तार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के राबड़ी आवास जाने से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलीबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें लालू परिवार को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार मुलाकात होने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और इस इफ्तार पार्टी में एक बार फिर से राजनीति देखने को मिलेगी। बात अगर हम करें तो 22 अप्रैल को जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, इसके बाद बिहार की राजनीति और राजनीति को लेकर जो समीकरण बदलने का दावा है वो तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे बीच और सीएम नीतीश कुमार के बीच सीक्रेट बातचीत हुई है, जिसको लेकर समय आने पर वो खुलासा भी करेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है, न्योता भेजने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और लालू परिवार को इसमें खास निमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में कल क्या कुछ तस्वीरें बिहार से देखने को मिलती है, इफ्तार पार्टी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बात अगर हम करें तो एक बार फिर से इफ्तार पार्टी को लेकर जो सियासत है वो बिहार में देखने को मिल रही है और एक बार फिर हफ्ते भर के अंदर ही सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।